गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा हमारा हमेशा का शेड्यूल होता है, अब तो आपको आदत भी होगी 8 बजे आपके साथ जुड़ने का। 1 मिनट मैं पहले आता हूँ ताकि आप जल्दी से जुड़ जाएं, और मैं 8 बजे जो अपना करंट अफेयर्स होता है या जो भी हमारा लाइव में बात करने का सेशन पे मैंने पहले बताया था, जैसा मैंने लिख दिया है इसके अंदर कि 8 बजते ही मैं आऊँगा, तो आप आ जाइए। मैं 2 मिनट पहले इसलिए आता हूँ ताकि आप क्या करें, जल्दी से 8 बजे तक जुड़ जाएं। तो अगर हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा भी हो तो आसानी से क्या करें। जसराज, गुड इवनिंग जसराज खत्री जी, आपका स्वागत है। आप हमारे पहले मेहमान हैं, स्वागत है आपका। तो सभी विजय तो रिहाय सर, लगता है आज तो सब तैयार बैठे थे। यू आर वेटिंग फॉर मी, थैंक यू। तो आप देखते हैं आपके आप हमारे लिए वेट कर रहे थे, तो अब हम क्लास शुरू करेंगे। जल्दी से जुट जाइए, हम 8 बजे तक हम शुरू करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हाय सर विजय थोरी, थैंक यू, वेलकम टू माय लाइव। आप जल्दी से सब जुट जाइए ताकि अपन बात करना शुरू करें। अब जाकर सीपी, आपका भी स्वागत है। सभी जल्दी से जुड़िए, अब बात करते हैं। आज मैं आपको टॉपिक, मैंने हेडिंग में जैसे आपको लाइव में दिख रहा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो। सिनेरियो का अर्थ होता है आज का जो परिदृश्य है, आज का जो दुनिया है उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या महत्व है, उसका क्या रोल है, और उसके ऊपर आजकल काफ़ी COVID-19 के बाद में काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे, और वर्तमान में क्यों वो क्या है इसके बारे में। बाबूलाल चौधरी जी, पुरखाराम जी, सभी का आपका स्वागत है। अब मैं शुरू करने वाला हूँ, किसके बारे में बात करेंगे आज। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार बाबूलाल जी, आप हमारे लाइव में जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WHO के बारे में। अभी आप देखिए पैंडेमिक आया, जो ये COVID-19 आया, उसको पैंडेमिक घोषित भी किसने किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आप थोड़ा सा हम हिस्ट्री जानेंगे कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, फुल फॉर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंग्रेजी में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यानी इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका नाम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब ये करता क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है दुनिया भर में स्वास्थ्य से संबंधित पॉलिसीज बनाता है, नीतियां बनाता है। जैसे आप जानते हो हमारे जो ज्यादातर देश है दुनिया के, वो 1950 के दशक के आसपास क्या हुए थे, आजाद हुए थे, तो वहां पे बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा कुपोषण की स्थिति है। इस वजह से वो देश जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अनडेवलप्ड कंट्रीज है, उनका उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो इतनी, उनके पास जनसंख्या भी ज्यादा, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, तो प्रत्येक जनसंख्या के प्रत्येक हिस्से तक उनकी पहुंच नहीं होती है पोषण पहुंचाने की। इस कारण ऐसी संस्थाएं काम करती है जो उन तक क्या पहुंचा सके, ये चीजें पहुंचा सके, उन तक पोषण पहुंचा सके, उन तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सके, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचा सके, इसके लिए WHO की स्थापना की गई है। अभी खबर में क्या हो रहा उसकी बात भी करेंगे, पहले अपन थोड़ा सा WHO का हिस्ट्री जान लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ सको कि पूरा WHO क्या है। तो इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं, अपन जाएंगे 1920 में, 1920 की बात करें तो आपको अगर याद हो प्रथम विश्व युद्ध याद हो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, और विश्व युद्ध का मतलब पूरी दुनिया के लगभग बड़े बड़े जो देश थे वो युद्ध में शामिल हुए। इसके बाद 1920 में वुड्रो विल्सन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया और उन्होंने एक राष्ट्र संघ की स्थापना की 1920 के अंदर। वैसे बेसिकली वो राष्ट्र संघ 20 साल तक एक असफल साबित हुआ, क्योंकि वो 20 साल तक सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक लागू रहा। तो वो जो राष्ट्र संघ उन्होंने बनाया उसमें बहुत सारी संस्थाएं बनाई ताकि दुनिया में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे, और इस तरह से दुनिया को दोबारा ऐसे विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़े, उसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। लेकिन आपको पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, WW2 शुरू हो गया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 में, 1939 से लेकर 1945 तक चला, हाँ जसराज जी 10 जनवरी 1920 सही एग्जैक्ट आपने डेट बता दी। तो 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चला, तो उसके बाद 1945 में आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा अमेरिका ने, उसके बाद ये खत्म हो गया। तब दुनिया को ये लगा कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो विश्व में शांति बनाए रखे। इस तरह से अगर हम विश्व युद्ध लड़ते रहे तो एक दिन दुनिया खत्म हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के परमाणु बम जापान पे यूज किए गए थे वो बहुत खतरनाक थे, आज भी उसका प्रभाव रहता, मैंने एक दिन बात की थी इसके बारे में। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना है, उसको कहते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, विश्व
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था बन गई जो दुनिया में क्या रखेगी, शांति स्थापित करके रखेगी। और उसके जो संस्थापक सदस्य थे वो 50 संस्थापक सदस्य थे, आपको ध्यान रखना हमारा भारत भी उन 50 सदस्यों में से एक था, 51वां सदस्य उसमें पोलैंड था। तो टोटल 51 सदस्यों ने मिलकर के 24 अक्टूबर 1945 को क्या कर दी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया तो उसके बाद उसकी और बहुत सारी संस्थाएं बनी, जैसे ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार इसकी भी स्थापना हुई, WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, इसके अलावा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, इसके साथ साथ यूनिसेफ, यूनेस्को, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं की क्या हुई इस UNO के अंडर में स्थापना हुई, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, आपके न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है, ये इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब अपना टॉपिक जो है वो आज WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने काफी सुना होगा इसको खबरों में भी ना। 3 साल बाद 7 अप्रैल 1948 को किसकी स्थापना कर दी गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसका जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में नहीं है, इसका कार्यालय आपको ध्यान रखना है जिनेवा में, और जिनेवा कहां पर है, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कौन से देश में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहां पे इसका क्या है कार्यालय, 7 अप्रैल को स्थापना हुई इसका। इसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाते हैं, कब, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें वर्तमान अध्यक्ष कौन है उसकी बात कर लें तो टुंड्रोस, उनका नाम है आपको मैं बता देता हूं, उनका नाम काफी अजीब सा है, उनको काफी प्रोनाउंस करने में समस्या थी, टेड्रोस अधानोम, ये उनके उनके अध्यक्ष का नाम है, जो वर्तमान में आपने देखा भी होगा लाइव में कभी, अगर WHO की अगर आपने लाइव देखा है तो उसमें उनको आपने देखा होगा। उनके ऊपर अभी काफी आरोप लिख रहे हैं, काफी कंट्रोवर्सी हो रही है WHO के लिए, उसके बारे में बात करेंगे अपन। आज अपन इसके अंदर बात करेंगे, WHO के अंदर एक और संस्था होती है जिसको कहते हैं WHA, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये इसको कहा जाता है, ये इसी की एक सबसे बड़ी संस्था है। जितने भी स्वास्थ्य संगठन जो ये हमारा है, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी पॉलिसीज बनाता है वो पॉलिसीज क्या की जाती है, इस WHA द्वारा बनाई जाती है। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसका नाम याद रखना, ये अभी क्या रहा है, खबरों में रहा है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग, ये क्या है, इसकी सबसे बड़ी एजेंसी है। अब आपको पता, मैंने बता दिया WHO बता दिया, अब बात करेंगे अपन WHA के बारे में। WHA क्या क्या है, WHA का भी जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, इनकी हर साल मई को बैठक होती है, हर साल मई में क्या होती है, बैठक होती है। इस साल भी मई में बैठक होगी, कब होगी, 18 और 21 मई को, आज कितनी है, 14 मई है, तो कब होगी, 18 और 21 मई तक इसकी बैठक चलेगी। इस बैठक में क्या होगा, भारत जो है वो इसको लीड करेगा यानी चेयरमैन बनेगा, 2020 में भारत इसका क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा इस WHA, इस हेल्थ असेंबली का। इसका मतलब हुआ जो डिसीजन लिए जाएंगे उसमें भारत की क्या रहेगी, प्रमुख भूमिका रहेगी। तब क्या हुआ, अभी ये क्यों खबरों में आ गया इसकी बात करें तो वो खबरों में इसलिए आया है, चाइना और USA, चीन और अमेरिका ने अभी इसके बीच में विवाद चल रहा है एक बात को लेकर। अभी मैं एक बात करता हूँ, इस WHA के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर 194 देश हैं, लेकिन इस असेंबली के अंदर किसी भी देश को ऑब्जर्वर देश की तरह रखा जाए, ऑब्जर्वर का मतलब होता है एक वॉच, ध्यान रखने के देश की तरह शामिल किया जा सकता है। अभी इसमें अंदर एक शामिल करने की बात चल रही है ताइवान को, ताइवान आप जानते हो चीन का एक हिस्सा है। मैं बताता हूँ ताइवान के बारे में, ताइवान जो है ये एक आइलैंड है, आइलैंड का अर्थ होता है एक द्वीप है, चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। इसका पड़ोसी कौन है ताइवान का, तो इसके पास चाइना के पास में स्थित है, कहां पर स्थित है, साउथ सी में स्थित है, जो दक्षिण चीन सागर है और पूर्वी चीन सागर है उसके बीच में ये आइलैंड स्थित है। अब 1949 में क्या हुआ था चीन में, आपको पता रखना है भारत 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन चीन 1949 में आजाद हुआ था, जब सिविल वॉर हुआ वहां पे, तब ताइवान ने क्या किया, अमेरिका जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पश्चिमी देश है, उनकी सहायता से आजादी की मांग की, क्योंकि ये हिस्सा किसका है, इसको अपन ताइवान भी कहते हैं और इसको क्या कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है, दो नाम है इसके, ताइवान और रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ये चाइना का क्या है, भाग है। लेकिन दिनेश चौधरी नमस्कार, अब देखो इसका भाग है चाइना के अंदर, इसको क्या है, ये अपनी सरकार स्वतंत्र रूप से चलाता है और इसे कुछ अधिकार प्राप्त है किसके अंदर, चाइना के अंदर। अब चाइना से ये आजाद होना चाहता था 1949 में जब सिविल वॉर, लेकिन चाइना ने इसको आजाद होने की छूट नहीं दी। अमेरिका ने हमेशा इस ताइवान को क्या बनाया, चाइना के खिलाफ एक पॉलिसी की तरह यूज करने की कोशिश की है। 2008 से 2016 तक USA अमेरिका ने क्या किया, ताइवान को WHA जो मैंने बताया हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसमें क्या बना दिया, ऑब्जर्वर राज्य बना दिया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका की चलती थी। 2018 में चाइना ने अपना पक्ष लेकर के इस संस्था के अंदर ताइवान का ये स्टेटस खत्म करवा दिया, ऑब्जर्वर जो स्टेटस था ये ऑब्जर्वर स्टेटस चाइना ने क्या करवा दिया, खत्म। अब क्यों बात आई, अब इसलिए बात आई कि अभी असेंबली को 21 तारीख को बैठक होगी, 18 से 21 मई के बीच में, भारत क्या बन रहा है, चेयरमैन बन रहा है,
और अब अमेरिका और चाइना के रिश्ते आपने देखे होंगे हाल ही में। चाइना के ऊपर अमेरिका आरोप लगा रहा है, जो अभी COVID-19 आया कोरोना वायरस, इसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने उसको चाइनीज वायरस भी कहा, वुहान वायरस भी कहा। और इसके अलावा अमेरिका ने क्या किया, WHO जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो फंडिंग करता है अमेरिका, क्योंकि इसके जो WHO के जो सदस्य होते हैं वो सब अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो इस संस्था में पैसा कहां से आएगा। तो जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, इसमें पैसा देते हैं। ठीक है, तो अमेरिका 40% फंड देता है, चाइना 15 से 16% फंड देता है। तो अमेरिका ने कहा WHO को हम ही क्या देते हैं, सर्वाधिक क्या देते हैं, फंड देते हैं। और ये हमें भी नहीं पता था कि ऐसी पैंडेमिक आए, क्योंकि WHO पे अभी आरोप लगे थे कि उनको पता था कि ऐसी पैंडेमिक फैलने वाली है, फिर भी उन्होंने दुनिया को क्या नहीं किया, आगे आगाह नहीं किया, क्योंकि इनके ऊपर किसका प्रभाव है, चाइनीज प्रभाव है, क्योंकि जो इसके अध्यक्ष है प्रथम कृष्णा रॉय, हेलो सर, हेलो। अब देखो उसमें क्या हुआ था कि चाइना के जो अफ्रीकन व्यक्ति है, पहले अफ्रीकन व्यक्ति है जो WHO के अध्यक्ष बने, और इनमें इन्होंने कहा कि चाइना को इसमें चुनने में, इनको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, इस कारण उन्होंने चाइना से वायरस आया था, इस कारण उन्होंने नहीं बताया दुनिया को, ये आरोप लगाए अमेरिका ने। अब अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि WHO में जब भारत मीटिंग की अध्यक्षता करेगा तो भारत ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दे दे, ये तो मांग, ये किसकी इच्छा है, अमेरिका की। अब चाइना की क्या इच्छा है, चाइना की इच्छा है भारत ताइवान को क्या नहीं दे, ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं दे, ये दोनों के बीच में। अब भारत कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया कि भारत यूएसए का पक्ष लेके चाइना का पक्ष ले, अगर भारत यूएसए का पक्ष लेता है तो चाइना नाराज हो जाएगा और चाइना इसको क्या समझेगा, अपना विरोध समझेगा। अगर भारत चाइना का पक्ष लेता है तो यूएसए क्या समझेगा, उसके नाटो जो अलाइज, नाटो उनका संगठन होता है, तो वो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसके वो नाटो के जो देश है वो ये सोचेंगे कि भारत ने हमारा साथ नहीं दिया। तो भारत अब क्या करेगा, इस बात को लेकर के फैसला होना है, किस किस में, इस मीटिंग के अंदर जो कब होने वाली है, 18 से 21 मई के बीच में हो रही है। अब ताइवान की बात करें, ताइवान मैंने बताया द्वीपीय देश है, ताइवान चाइना का ही भाग है, लेकिन चाइना के अंदर उसको क्या प्राप्त है, ऑटोनोमियस स्टेटस प्राप्त है, यानी वो स्वतंत्र है, वो अपनी पॉलिसीज अलग बनाता है। अब बात करते हैं भारत और ताइवान के रिश्ते कैसे, भारत और ताइवान के रिश्ते ठीक है, लेकिन भारत ने कभी भी ताइवान के साथ में क्या नहीं किया है, ऑफिशियली डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं बनाए, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑफिशियली उनके साथ वहां पे हमने अंबेसी खोली हो या आपने वहां पे अपने अम्बेसडर भेजे हो, ऐसा हमने नहीं किया, क्योंकि भारत ये बिलीव करता है वन चाइना पॉलिसी में, क्योंकि चाइना कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है, तो भारत उसके साथ अलग से क्या नहीं कर रहा है, रिश्ते नहीं बनाता, बल्कि चाइना के साथ में रिश्ते बनाए, ये भारत का स्टैंड है, आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो भारत हमेशा इसको ताइवान को क्या मान रहा है, कि अलग से नहीं मान करके चाइना का हिस्सा मानता रहा है। अब देखने वाली बात क्या होगी कि जब ये WHO में मीटिंग होगी तब भारत क्या पक्ष लेता है। कुछ एक्सपर्ट हैं जिनकी राय मिली है इन अखबारों में जो छपी थी वो मैं आपको बताता हूं, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, इस ताइवान को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दे देना चाहिए। कारण बताया उन्होंने, कारण ये बताया कि जब जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ में, WHO में, या फिर आपके FATF में, UNGA में, या UNSC में, इनके फुल फॉर्म भी बताऊंगा मैं आपको, तो उनमें जब भी भारत ने टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने के लिए मुद्दा उठाया, हमेशा चाइना ने उसका विरोध किया, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया। तो आज गेंद किसके पाले में आ गई, भारत के पाले में आ गई, और भारत को क्या करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, और US का साथ देकर के ताइवान को क्या देना चाहिए, ऑब्जर्वर स्टेटस देना चाहिए। ये बात किसने कही, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, उसको हमारी दो संस्थाएं हैं और आपको बता देते हैं, UNO से जुड़ी हुई ब्रेटन वुड्स संस्थाएं कहते हैं उन्हें, एक का नाम है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक का नाम है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। अब बात करते हैं तो इसमें क्या है, चाइना ने क्या चाइना के क्या, चलिए अभी बात करते हैं अपन। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने हमेशा भारत का विरोध किया और पाकिस्तान का साथ दिया। तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत को ऐसा करना चाहिए कि इसको क्या करना चाहिए, चाइना का साथ नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने किस किस में, एक संस्था है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, ये क्या करती है, दुनिया में अगर IMF किसी को क्या देता है, पैसा उधार देता है, ऋण देता है उस देश के विकास के लिए, वो ध्यान रखती है, FATF ध्यान रखता है क्या कोई वो देश उस पैसे का गलत प्रयोग तो नहीं कर रहा है, कहीं वो टेररिज्म में, कहीं पे आतंकवाद में तो यूज नहीं कर रहा है, इसका ध्यान कौन रखता है, FATF रखता है। FATF ने एक लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट का मतलब है पाकिस्तान को पैसा मिलता है वो उसका गलत यूज करता है, अगर वो ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो जो IMF है वो पैसा पाकिस्तान को नहीं देता। भारत की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को क्या किया जाए, ब्लैक लिस्टेड, क्यों, पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ क्या फैला रहा है,
आतंकवाद फैला रहा है, चीन ने इसका विरोध किया। जब चीन इसका विरोध करता है तो चीन आपको पता हो यूएनओ का ऐसा देश है जिसको 5 वीटो पावर देश में से एक है, इस कारण वीटो का प्रयोग करके पाकिस्तान को हर बार बचा लेता है। और दूसरी यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उसमें भी मुद्दा उठता है तो भारत का विरोध करता है कौन, ये चाइना। यूएनसी है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये वीटो पावर मिलता है 5 देशों को। मैं आप वीटो पावर वाले देश बता देता हूँ आपको, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ये यूज करते हैं भारत के खिलाफ वीटो, चाइना द्वारा ज्यादातर यूज किया गया। इस कारण इसमें कहा गया है कि ये WHO की मीटिंग होगी, भारत क्या बनेगा ऑब्जर्वर, भारत क्या बनेगा चेयरपर्सन बनेगा, तो भारत को क्या करना चाहिए, इनके खिलाफ इसका प्रयोग करना चाहिए, ये बात कही गई है इसके दौरान। तो अब भारत क्या कदम लेता है 18 मई को और 21 मई को, वो देखने वाली बात होगी। ये बात थी आपको बता देते हैं WHO से रिलेटेड। अभी कल और WHO ने भी कहा था कि जो ये आपका COVID-19 है ये हमेशा के लिए बने रहने वाला है, इस वजह से आपको सुरक्षित रहना है और लॉकडाउन वगैरह को सीरियसली पालन करना है, ये भी इनका कहना था। तो ये बात की अपन ने WHO के बारे में। अब थोड़ी सी WHO की बात और करते हैं। WHO की एक संस्था है, उसने क्या जारी की है, एक रिपोर्ट जारी की है, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है, यानी ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट का अर्थ होता है वैश्विक न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण रिपोर्ट आई है। अब पोषण का मतलब क्या होता है, जो हमारा शरीर है उसको क्या मिलना चाहिए, संतुलित जब तक भोजन नहीं मिलता है, यानी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें अगर सही मात्रा में नहीं मिलती है तो हमारे शरीर का विकास नहीं हो पाता है और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जैसा आपने अफ्रीकन कंट्रीज में देखा होगा या फिर अभी आपने वीडियोस देखे होंगे जब सड़कों पे जो हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो घर पहुंच रहे हैं उनके बच्चों को आपने देखा होगा, कमजोर से बच्चे होते हैं, पोषण उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। तो उसके ऊपर एक संस्था है जो क्या करती है, रिपोर्ट जारी करती है। इस रिपोर्ट में 88 देशों की रिपोर्ट जारी हुई है और भारत को बहुत जो 2025 में भारत ने एक टारगेट रखा था कि भारत 2025 तक अपनी जो ज्यादातर जनसंख्या है उस तक क्या पहुंचा देगा, न्यूट्रिशन पहुंचा देगा, उस तक पोषण पहुंचा देगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि 2000 इस संस्था ने कहा है 2025 तक भारत क्या नहीं कर पाएगा, इस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। अब इन्होंने कहा है कि हाईएस्ट रेट्स ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ माल न्यूट्रिशन, इन्होंने कहा है कि जो न्यूट्रिशन मिलता है पोषण मिलता है भारत में उसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज है, बहुत कई राज्य ऐसे जहां तो पोषण अच्छे से मिलता है, कई राज्य ऐसे वहां पे नहीं मिलता है, इस रिपोर्ट ने ऐसा कहा। ये जो रिपोर्ट है एजेंसी है जिनके द्वारा की गई है उसका नाम GNT है, जिसका नाम है ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट एजेंसी, ये जारी करती है। ये भी WHO के अंडर काम करती है, WHO के अंडर WHA है जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसके अंडर काम करती है। इसकी जो रिपोर्ट जारी की जाती है, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं इस रिपोर्ट के अंदर जारी करने वाले एक्सपर्ट होते हैं, जो बड़े बड़े जो विशेषज्ञ होते हैं वो इस रिपोर्ट को क्या करते हैं जारी करते हैं और WHO इसको जारी करता है। 88 देशों में से भारत की काफी खराब स्थिति में बताया गया है भारत को। भारत को किसके साथ देखा गया है, जो हमारे एशिया के और देश है, मैं आपको नाम भी बताया था पहले, फिर से बता देता हूँ, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, चीन, ये जो देश हैं इनसे हमारी रेट क्या रही है, नीचे रही है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। इसके अलावा हमें कहाँ रखा गया है, इंडिया और नाइजीरिया और इंडोनेशिया के साथ में हमें उनके आसपास रखा गया है। तो हमारे देश में किसके ऊपर काम करने की जरूरत है, लोगों को पोषण पहुंचाने तक, यानी लोगों तक क्या पहुंच सके, पोषणीय चीजें पहुंच सके, वहां पर हमें काम करने की जरूरत है, इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है ये सबसे खराब स्थिति में है, यहाँ पर 40% स्टंटिंग रेट है, यानी यहाँ पे जो बच्चे होते हैं कुपोषण के शिकार, वो 40% बच्चे किसके शिकार रहते हैं, कुपोषण के क्या रहते हैं, शिकार रहते हैं, इसके बारे में बात की गई। और इसके अलावा इन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ज्यादा कुपोषण है और भारत को इसके ऊपर क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ये तो बात थी अपने किसके बारे में, WHO के बारे में। एक तो क्या किया, एक तो जो आपकी मीटिंग होने वाली है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा इस रिपोर्ट के बारे में ध्यान रखने वाला है। चलिए अब आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन, वो बात है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अभी आपने देखा उनको 2 दिन पहले लाइव देखा था और लाइव आए थे तो बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आए हमारे लिए सबके लिए, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेके आए, स्टिमुलस पैकेज लेके आए भारत के COVID-19 से लड़ने के लिए। तो उन्होंने एक नारा दिया था, अगर आपको याद हो लाइव के दौरान अगर आपने उन्हें सुना, तो उन्होंने कहा था आत्मनिर्भर भारत, क्या नारा था आत्म। अब आपको आज उसके बारे में बताएंगे कि ये मोदी जी का क्या इनिशिएटिव है या हमारी भारत सरकार है उसका आत्मनिर्भर भारत क्या इनिशिएटिव है उसके बारे में बात करते हैं। लाइव के दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जो उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो क्या किया था प्लान पैकेज घोषित किया था उसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया उसमें क्या था, ये हमारे GDP का 10% है। इसके अलावा ये पैकेज 3 सालों में आपको समझना है, ये ऐसा नहीं है कि इस बार जब मोदी जी ने घोषणा की 20 लाख करोड़ एक साथ, नहीं, इसमें ऐसा है अगर आपको याद हो जब लॉकडाउन लगा था
तब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन है, उन्होंने घोषणा की थी 1.76 लाख करोड़ रुपए के आसपास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत में, उस तहत उन्होंने कहा था कि इतना पैकेज हम दे रहे हैं वो इसमें शामिल है, ध्यान रखना आपको वो इसमें शामिल है। इसके अलावा आरबीआई जो हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो किसी भी प्रकार के मॉनेटरी क्या करता है स्टिमुलस लागू करता है, किसी प्रकार के मौद्रिक नीति लागू करता है, उसमें जो खर्चा आएगा या उसको कम करने से जो हमें खर्चा होगा उसमें को भी इसमें शामिल किया गया। अगर हम काटकूट के देखें तो ये 10 लाख करोड़ रुपए का क्या है पैकेज है, 10 लाख करोड़ का पैकेज है, 10 लाख का जो पीछे उन्होंने पैकेज घोषणा किया, तो टोटल जो पैकेज बना है वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज बना है जो किसने जारी किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। और आज आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर ने कई घोषणाएं की थी, उसके बारे में कल आपको बताऊंगा डिटेल से, अभी अखबार में नहीं आई है, जब अखबार में आएगी तो मैं उसका तैयार करके आपके सामने पेश करूंगा वो वाली चीज। अब अपन बात करते हैं कि इन्होंने कहा क्या, इन्होंने कोविड-19 के खिलाफ मोदी जी ने यह कहा था कि हमें अच्छे से लड़ना पड़ेगा क्योंकि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो चुकी है, भारत की जो इकोनॉमी है वो भी काफी क्या चली गई है अंडरगोइंग है, तो हमें एक ही तरीका हम इसको कर सकते हैं वो है आपका सेल्फ रिलायंट होकर के, आत्मनिर्भर होकर के। और उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था अगर आपको याद है तो, उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन लगा था ये बीमारी आई थी उससे पहले हमारे देश में पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बहुत कमी थी, यानी हम ज्यादा यूज करते भी नहीं थे पीपीई का। अब उन्होंने कहा कि अभी भारत रोजाना के 2 लाख पीपीई क्या करता है, पीपीई और N95 मास्क क्या करता है प्रोड्यूस करता है, ये किस चीज में आता है, इसी को हम आत्मनिर्भरता कहते हैं, यानी हम 2 महीने पहले इतना उत्पादन नहीं करते थे, आज हम उसको प्रोड्यूस करके दुनिया को क्या कर रहे हैं एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। इस वजह से इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना है कि कुछ लोगों ने इसका मतलब ये निकाला है कि मोदी जी कह रहे हैं बाकी विदेशी कंपनियों को भारत में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका मतलब यह है कि भारत में विदेशी कंपनियां आ सकती है लेकिन उनको भारत के अंदर ही क्या करना होगा, उत्पादन करना होगा, भारत के लिए उत्पादन करना होगा, और पहले भारत खुद आत्मनिर्भर बनेगा बाद में बाकी दुनिया के लिए क्या करेगा जो ग्लोबल नीड है उनको भारत पूरी करने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो कोविड-19 है इससे हम अच्छे से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे क्योंकि हम पीछे भी बहुत सारी चीजों से लड़े, जैसे हम ट्यूबरक्लोसिस से लड़े थे, टीबी से लड़े थे, इसके अलावा पोलियो फ्री हो चुका भारत कब का, उन्होंने पोलियो जैसी बीमारी को हरा दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओडीएफ जो हमारा था ओपन डेफिकेशन, यानी ओपन डेफिकेशन का अर्थ होता है खुले में सोच की जो चीज़ थी जो गलत आदत थी लोगों की उससे हमने निजात पाया है और बहुत सारे शौचालय बने, ओपन डेफिकेशन से भारत क्या हो चुका है फ्री हो चुका है, ये बात की किसने की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चीजें की। तो उन्होंने कहा हम कोविड-19 से भी लड़ जाएंगे लेकिन आपको आत्मनिर्भर बनना है और आपको क्या बनना है मजबूत बनना है। मैं आपको जो चीज़ उन्होंने नहीं बताया वो मैं आपको बताता हूँ, 5 उन्होंने पिलर बताए थे कि 5 हमारी आत्मनिर्भर होने के 5 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है हमें अपनी इकोनॉमी को क्या करना होगा मजबूत करना होगा, भारत की इकोनॉमी जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हम इस चीज को नहीं क्या कर सकते आगे बढ़। दूसरा उन्होंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ होता है संरचनात्मक जो ढांचा है उसे हमें मजबूत करना होगा और जो मॉडर्न टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा हमें मजबूत, सिस्टम में क्या लानी पड़ेगी हमें टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तकनीकी लानी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने डेमोग्राफी वाइब्रेंट डेमोग्राफी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी हम दुनिया की सबसे बड़ी क्या है लोकतंत्र है, इस वजह से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या कर सकें वाइब्रेंट डेमोग्राफी लागू करें। डिमांड, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मांग और जो डिमांड और क्या है इसकी सप्लाई है पूर्ति है उसको हम क्या करें पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें अभी आज वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वो मैं कल आपको बताऊंगा, लेकिन हो सकता है उन्होंने घोषणाओं उनके आपको माइग्रेंट वर्कर्स के लिए कुछ अच्छी चीजें मिले। माइग्रेंट वर्कर्स उन्हें कहते हैं जो शहरों में रहते हैं और उन्हें क्या करते हैं उनके पास में खुद का ज्यादा घर नहीं होता, वो शहरों में रहना पड़ता है, राशन कार्ड नहीं होते, जितनी हमारे पास सुविधाएं होती उतनी उनके पास नहीं होती है, वो अभी आपने देखा होगा सड़कों पे घर जा रहे हैं वापस पैदल चलते हुए, उनके लिए कुछ लेके आएंगे। लेबरर्स जो मजदूर है उनके लिए, स्ट्रीट वेंडर्स गलियों में जो सब्जियां वगैरह बेचते हैं उन लोगों के लिए भी कुछ भी आएगा। डेली वेजर्स जो रोजाना रोजमर्रा जो किस पे काम करते हैं उनके लिए, एंड फार्मर्स और किसानों के लिए आपको इसके अंदर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कुछ न कुछ क्या लेके आएगी, नए इनिशिएटिव लेके आएगी, इन्होंने ये भी कहा। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि सप्लाई चेन रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, इसके अलावा एग्रीकल्चर में बदलाव किए जाएंगे, टैक्स सिस्टम भारत का है उसको थोड़ा क्या किया जाएगा बदला जाएगा, इसके अलावा कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को विकसित किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज किसे कहते हैं, संसाधन में आपको बताता हूँ, संसाधन किसे कहा जाता है, रिसोर्स किसे कहा जाता है, ऐसी कोई चीज जो हमारे काम की हो यानी मनुष्य के लिए उपयोग की हो उसे हम क्या कहते हैं संसाधन कहते हैं। अब मनुष्य खुद संसाधन है या नहीं इस बात को देखते हैं, मनुष्य खुद एक संसाधन है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट को लेते हैं, उसके माता पिता 20 से 25 साल तक उस बच्चे पे पैसा खर्च करते हैं और उसे क्या कराते हैं शिक्षा देते हैं, और वो जब शिक्षा प्राप्त करके किसी नौकरी को प्राप्त कर लेता है
अगर उसके माता पिता उस बच्चे को शिक्षित नहीं करते तो वो कैसा एक अकुशल श्रमिक रह जाता, उसे उतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी उसको नौकरी मिलने के बाद में मिलेगी। तो हमने क्या किया, हमारे रिसोर्स पे, हमारा जो संसाधन था, मनुष्य जो स्टूडेंट था उसके ऊपर उनके माता पिता ने पैसे लगाए, और वो जब नौकरी लग गया, अच्छा एक कुशल श्रमिक बन गया, तो वो उस परिवार को ज्यादा सहायता पहुंचाएगा। और किसकी तुलना में, एक अकुशल श्रमिक की तुलना में। तो मानव भी क्या हुआ, एक संसाधन हुआ। तो जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, आप भी एक संसाधन हो, आपके हमारे पेरेंट्स हम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमें अकुशल श्रमिक न बन करके कुशल श्रमिक बनना है, एक अच्छा रिसोर्स। जिस देश के मानव जो रिसोर्स, यानी मनुष्य अच्छा रिसोर्स होता है, मनुष्य एक अच्छा संसाधन होता है, मनुष्य अगर पढ़े लिखे होते हैं, अगर समाज पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं और ज्यादा नौकरी में होते हैं, तीन क्षेत्र होते हैं अगर आपको पता हो अर्थव्यवस्था के। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि पशुपालन ये आते हैं, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र जिसके अंदर आपके क्या आते हैं उद्योग वगैरह आते हैं, एक होता है तृतीयक सेवा क्षेत्र जिसमें आपके ये नौकरी वाले जितने भी पैसे होते हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आरएएस ये सारे आते हैं। जिस देश का सेवा क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है, जिस देश की जनसंख्या सेवा क्षेत्र में ज्यादा काम करती है, वो देश ज्यादा क्या बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इस वजह से वुमेन रिसोर्स को भी आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। भारत सरकार क्या लेके आएगी, कोई इनिशिएटिव लेके आएगी जिसके तहत क्या होगा, मनुष्य को ज्यादा विकसित किया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम, अभी आपने देखा होगा काफी हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफी कमजोर हो चुका है, काफी डावांडोर हो चुका है। इस वजह से उसको, यानी जो वित्तीय स्थिति है उसको सुधारने के लिए भारत सरकार काम करेगी। ये सारी चीजें थी किससे संबंधित, आपके आत्मनिर्भर भारत से संबंधित। ये इसी तरह सा था जैसे आपको अगर याद हो 1991 में नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव भारत के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुआ, सॉरी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे। वो एक एलपीजी करके एक क्या लेके आए थे, इनिशिएटिव लेके आए थे जिसका फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और क्या होता है इसके अलावा उसका फुल फॉर्म ग्लोबलाइजेशन, यानी निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण, उसके तहत भारत में लागू हुआ था और आज भारत इस तक स्थिति पहुंचा है। ये आत्मनिर्भर भारत जो योजना आई है या जो इनिशिएटिव आया है, ये 2020 के बाद में भारत का जो क्या करेगा, रास्ता तय करेगा। तो आपको इसको अच्छे से समझना है और इसके अंदर जो अच्छी चीजें आई है उसे हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। चलिए, ये बात थी आपके किससे संबंधित, आपके आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा लगाया गया उसके बारे में। अब अपन थोड़ी बात करते हैं, अभी केंद्र की बात चल रही है, उन्होंने ये केंद्र सरकार लेके आई है, अब अपन बात करते हैं केंद्र और राज्यों के थोड़े रिलेशन के बारे में, संबंधों के बारे में। एक आर्टिकल छपा था उसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको पता है भारत का संविधान है, उसकी एक अनुसूची आपको याद रखनी है, अनुसूची सात और आर्टिकल है 246। उसके तहत क्या होता है, आर्टिकल 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। तीन सूचियां बनाई हुई है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इन तीन सूचियों में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची का अर्थ होता है ऐसे विषय जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसे विषय जिनके ऊपर दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाएगी। अब नॉर्मली होता है क्या, भारत में फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का अर्थ होता है केंद्र और राज्यों के संघात्मक व्यवस्था कहते हैं इसे, जिसमें केंद्र और राज्यों की शक्तियों का क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है। गुड इवनिंग स्वर। अब देखिए इसमें क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा कर दिया, राज्य के जो शक्तियां उसमें केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा, केंद्र की जो शक्तियां हैं उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आता है, अब केंद्र सरकार उसका भाड़ा बढ़ाती है, कि अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे केंद्र सरकार से कि आप ट्रेन शुरू कीजिए लोगों को घर पहुंचाने के लिए। ये किसका विषय है, केंद्र सरकार का विषय है। इसका राज्य सरकार के पास ट्रेन चलाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार आगे बढ़कर ऐसा नहीं हम ट्रेन चलाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। वो किसका विषय है, केंद्र सरकार का विषय। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो राज्य सरकार के होते हैं, जिनमें कौन हस्तक्षेप नहीं करता है, केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अभी क्या हुआ है, COVID-19 आ गया, लॉकडाउन लग गया, अभी केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं उसमें, क्योंकि सहयोगात्मक रूप से चला है, तो सेंटर थोड़ा क्या हो जाता है, जब कभी भी आपातकाल जैसी इमरजेंसी या फिर ऐसी स्थिति आती है जिसमें देश में कोई आपदा आ जाए, तब क्या होता है केंद्र थोड़ा मजबूत हो जाता है, राज्य थोड़ा हमारे देश में क्या रहता है, कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। अभी क्या हुआ, जो केंद्र सरकार है उनके जो राज्य है हमारे, उनका रेवेन्यू बहुत कम हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन लग गया पूरे देश में, और हमारे राज्यों का जो रेवेन्यू आता है वो मैं बताता हूँ, यानी राजस्व, केंद्र राज्य सरकार के पैसा कहां से आता है वो मैं बताता हूँ। एक तो आता है लिक्विड से, लिक्विड का अर्थ होता है शराब से। देखिए हमारी विडंबना है, हमारा 80 हमारे राज्यों का 80% जो पैसा आता है, राजस्व आता है, वो शराब से आता है। ठीक है, अब वो बंद हो गए, ठेके बंद हो गए, आपने देखे होंगे, इस वजह से वो रेवेन्यू वहां से पैसा नहीं आ रहा है। दूसरा स्टाम्प ड्यूटी से, यानी जो संपत्ति वगैरह बेची जाती है उससे उसको पैसा आता है, तो वो क्या होता है, वो बंद हो गया। इसके अलावा आता है टैक्स ऑन फ्यूल, यानी पेट्रोलियम पे तेल जो बेचा जाता है, पेट्रोल डीजल, उसके ऊपर सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, उससे पैसा आता है।
अभी ये सारी चीजें तो बंद है, लोग सड़कों पे जाए, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, परिवहन बंद हो गया, तो फ्यूल से नहीं आ रहा है राजस्व। इसके अलावा लिक्विड बंद हो गया, ठेके बंद कर रखे तो लिक्विड से नहीं आ रहा है, तो पूरा राजस्व रुक चुका है। राज्य सरकार पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो गई है, केंद्र सरकार पे डिपेंड हो गई है। उनके पास पैसा नहीं, कहां से खर्च करें। ऊपर से राज्य सरकार के पास जो पैसा है, एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा किस में जा रहा है, सैलरीज में जा रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कोविड वॉरियर्स है, उनके सैलरी में जा रहा है। इसके अलावा और पैसा कहां पे जा रहा है, जो इंटरेस्ट ब्याज चल रहा है राज्य सरकार पे, उसको पे करने में जा रहा है। इसके अलावा कोविड 19 फैसिलिटीज देने पे जा रहा है, स्कीम्स कोई लागू कर रहे हैं उस पे जा रहा है। तो सरकार के पास रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यानी खर्चे ज्यादा है और आय कम है। इसके लिए राज्य किस पे डिपेंड हो गए, पूरी तरह केंद्र पे डिपेंड हो गए। और तीन राज्य है मुख्य जो हमारे विकसित राज्यों के अंदर आते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि हमें कुछ फंडिंग दी जाए, हमें कुछ फंड दिया जाए ताकि हम इस कोविड 19 से लड़ सकें। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की है कि आरबीआई के जो रूल है, उधार लेने के पैसे उधार लेते हैं राज्य आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, भारत के रिजर्व बैंक से, उसमें थोड़ा सा आप ढील दीजिए ताकि हम पैसा उधार ले पाए, और हम पैसा उधार लेंगे तो हमारी जो ये इकोनॉमी है इसको क्या कर पाए, रिवाइव कर पाए, आगे बढ़ा पाए। अब लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया वो आपको पक्ष बताते हैं। केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, केंद्र सरकार ने उल्टा क्या किया है, अभी आपको पता है दुनिया में लो जो ऑयल के प्राइस है, तेल के जो प्राइस है वो बहुत नीचे हो चुके हैं, बहुत जो तेल है वो सस्ता हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार अभी उसी रेट पे बेच रही है। वो बेचना जरूरी है क्योंकि हम इकोनॉमी को सर्वाइव कर रहे हैं कोविड 19 में, तो उसी रेट पे बेच रही है। लेकिन जो इस तेल प्राइस पे पहले राज्य क्या लगाते थे, टैक्स लगाते थे, वो राज्य टैक्स नहीं लगा पा रहे, उल्टा केंद्र ने टैक्स बढ़ा दिया है, इस वजह से राज्य नहीं लगा पा रहे। तो अब जो तेल से रेवेन्यू आता था राज्यों का, वो रेवेन्यू किसके पास जा रहा है, केंद्र सरकार के पास में, ठीक है। दूसरा क्या क्या, इंक्रीज बोरोइंग लिमिट सेंटर। अब सेंटर में क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, जो आरबीआई से पैसा लेने की जो ताकत है वो राज्यों को देने के बजाय खुद पे पैसे जमा कर रहे हैं, खुद के पास में पैसे ले रहे हैं और उससे लड़ रहे हैं। इस वजह से राज्य क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। इसके अलावा पेंडिंग जीएसटी ड्यूज, अब क्या होता है, जीएसटी जो होता है वो राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी भरा, जीएसटी का पैसा दिया जाता है, लेकिन इस बार कोविड 19 चल रहा है तो केंद्र सरकार ने राज्यों को क्या नहीं दिया, जीएसटी नहीं दिया। तो केंद्र राज्य क्या अभी क्या हुआ, मैंने आपको बताया सात सूची अनुसूची में मैंने बताया शक्तियों का बंटवारा है। अब केंद्र सरकार ने यहां अपनी शक्तियों का थोड़ा सा क्या कर लिया, ज्यादा प्रयोग कर लिया, तो राज्य क्या हो गए, निशाए हो गए, उनके पास में रेवेन्यू नहीं है और इस कोविड 19 से लड़ने की। आपको मैं एक बात बताता हूं कि भाई आप स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार कैसे काम करती है। पार्टीज अलग बात है, वो अलग इश्यू है। आपको संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए अच्छे से, क्या करना चाहिए जानना चाहिए कि भाई ये चीजें होती क्या है। तो अभी आप समझ सकते हो राज्यों के बीच में। अभी इस आर्टिकल में तीन क्या दी गई है, सलाहें दी गई है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को कहा गया है कि आप ऐसा कीजिए, राज्य सरकार को कुछ फंड दीजिए, कुछ क्या कीजिए, हेल्प कीजिए, ऐसा आज निर्मला सीतारमण ने घोषणा की होगी उसके। इसके अलावा उन्होंने कहा फिक्स्ड डेफिसिट है, यानी जो ये इनके खर्चे हो रहे हैं इनमें थोड़ा आप क्या कीजिए, कमी कीजिए ताकि ये लोग रिवाइव कर सके। इसके अलावा एक और समस्या हुई है यहाँ पे, समस्या ये हुई है कि जो हमारा आपदा प्रबंधन एक्ट है, अधिनियम है 2005, उसमें लिखा हुआ है कभी भी अगर इस तरह की कोविड 19 जैसी आपदा आती है तो केंद्र और राज्य मिलकर के काम करेंगे। अभी क्या हुआ, ये जो कोविड 19 आया तो सारे फैसले, अभी ज्यादातर जो फैसला आ रहा है वो केंद्र सरकार से आ रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे मोदी जी लाइव आते हैं उसके बाद हम उस बात को मानते हैं। तो अभी क्या हुआ, राज्य सरकारों के पास अधिकार कम रहेंगे। जो हमारा लॉकडाउन होता है वो सेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज का मतलब होता है राज्य सरकार ने, अभी आपने देखा होगा सॉरी केंद्र सरकार ने क्या किया, जिले जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे, उनको क्या किया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में क्या किया, कन्वर्ट किया है। रेड जोन होगा जहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा खतरा है, ऑरेंज जोन और इस तरह से उनके हिसाब से। लेकिन ये सारे फैसले कौन ले रहा है, सेंट्रल सरकार। अभी इस आर्टिकल में, जो अखबार का आर्टिकल छपा है, इसमें मांग की गई है कि ये जो लॉकडाउन का अधिकार है ये किसको मिलना चाहिए, राज्य सरकार के पास में जाना चाहिए। कि अगर राज्य सरकार को लगता है कि उसके कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है तो वो वहां पे राज्य सरकार को फैसला लिए देने, क्यों नहीं, तो सारे जिलों पे कौन फैसला ले रहा है, केंद्र सरकार ले रही है। इस कारण इन्होंने में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार फैसले लेती है तो उसमें लॉकडाउन ढील देती है तो उन जिलों से रेवेन्यू आएगा, तो बाकी वाले जिले जहां लॉकडाउन है वहां का हम रेवेन्यू क्या कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं। ये बात कही गई है किसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इसके बीच में क्या चल रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में थोड़ा सा विवाद चल रहा है। आपको अनुसूची याद रखनी, क्योंकि ये सवाल जब पूछा जाए ऐसा कभी नहीं पूछे क्या हुआ, वो नहीं पूछेंगे। आपको पूछेंगे कि संविधान की कौन से अनुच्छेद के तहत, संविधान की कौन सी अनुसूची के तहत ऐसा हो रहा है, तो अनुच्छेद 246 और अनुसूची 7 में क्या किया गया, राज्यों और केंद्र के बीच में शक्तियों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया, इसके बारे में अपन बात की। अब थोड़ी सी बात करते हैं, अभी राज्यों केंद्र की जो बात चल रही थी इसी पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारे जो केसी वियर्स, एक बहुत बड़े संवैधानिक एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा है,
उनका कहना है कि जो ये फेडरलिज्म होता है, संघात्मक व्यवस्था होता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो शक्तियों का क्या किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, इसमें क्या होता है, जो केंद्र सरकार का ज्यूरिडिक्शन है वो ज्यादा है और राज्यों को केंद्र सरकार से ताकत मिलती है कि वो कोई भी काम उस पर करे। तो इन्होंने, भारत ने जो मॉडल अपनाया, देखो अमेरिका का आप संघात्मक मॉडल देखोगे तो वहां क्या होता है, राज्यों को अधिकार अलग, केंद्र को क्या दे दिए गए, अलग अधिकार दे दिए गए। अब राज्य केंद्र के हस्तक्षेप नहीं करते, केंद्र राज्य में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता, वो स्वतंत्र राज्य कुछ भी फैसला लेने के अंदर। भारत में ऐसा नहीं है, जब कभी भी आपदा का समय आएगा राज्य और केंद्र मिलकर के काम करेंगे, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव मॉडल। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मॉडल है, क्योंकि भारत ने कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सबका जो संघात्मक व्यवस्था थी उसको एक साथ लेकर के एक मॉडल बनाया, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव मॉडल कहते हैं। ये दुनिया का सबसे यूनिक मॉडल है, ऐसा दुनिया में कहीं पे मॉडल नहीं होता, जहां पे कभी भी आपदा आती है तो राज्य और केंद्र एक होकर के लड़ते हैं। लेकिन अभी थोड़ा क्या हुआ है, केंद्र थोड़ा क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया, जैसे मैंने अभी आपको रेवेन्यू वगैरह के बारे में बात बताई थी, इस वजह से ये बातें थी हमारी। इसके अलावा आपने, मैंने पीएम केयर्स के बारे में एक दिन आपको बताया होगा, प्रधानमंत्री जो फंड होता है उसके बारे में बताया। अभी क्या हुआ, लॉकडाउन लागू हुआ तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको सिर्फ पीएम कैश में ही क्या कर सकते हैं, पैसा फंड कर सकते हैं। सीएमएनआरएफ होता है जो प्रधान, जो सॉरी मुख्यमंत्री का जो क्या होता है कोष होता है, उसमें पैसे कम आ रहे हैं, तो ये भी कारण हो गया, राज्य वहां पे कमजोर हो रहे हैं। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकार को ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी, ला भी रही है सरकार, कोशिश भी कर रही है कि जहां से राज्य अच्छे तरीके से क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो ये सारी चीजें थी आज हमारे इस सेशन की। अगले सेशन में हम और क्या करेंगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो आज हमने किस किस चीज के बारे में जाना उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। तो एक तो हमने माना WHO के बारे में और WHA के बारे में, उसको आपको ध्यान रखना है, उससे संबंधित आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि WHO की स्थापना कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है, या WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में जाना। इसके अलावा भारत और ताइवान और चीन का जो मुद्दा चल रहा है उस पर भारत क्या कदम लेता है, वो भी आपको खबर में ध्यान रखना है। तो अब काफी टाइम हो चुका है, कल फिर और मिलेंगे इसी टाइम 8 बजे किसी और मुद्दे पे। अभी एक कमेंट आया ज्योग्राफी के, सर ज्योग्राफी का अगर हमारे करंट से रिलेटेड ज्योग्राफी में संबंधित कुछ चीजें होगी उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। तो आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा, ये जो कोशिश कर रहे हैं हम, जो आपको रात 8 बजे आकर के आपको ये करंट के बारे में चीजें देनी, ताकि आप इन चीजों के बारे में जान सको, हमारा सोसाइटी क्या हो सके, शिक्षित हो सके। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा रिस्पॉन्स कम मिले, उसमें मैं चलाऊंगा, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचिए, ताकि हमारा ये इनिशिएटिव सफल हो सके। आपको ये वीडियो जो आप अगर मिस कर देते हैं इस स्थिति में, सर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का बैंक और उसके कार्य बना लेंगे, ठीक है, हाँ कभी मौका मिला तो मैं आपको पक्का इसके बारे में बताऊंगा कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता है, या फिर ये फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, या फिर मौद्रिक नीति मॉनिटरी फंड क्या होता है, ये सारी चीजें अपन बात करेंगे। चलो अब अपन रैपअप करते हैं, काफी टाइम हो गया है, तो कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, आप जुड़िए। और ये जो वीडियो आपको अभी नहीं देख पाते तो मेरा यूट्यूब चैनल है रविंद्र RNG कोच RNT एजुकेशन सेंटर, उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। वैसे तो आपका रिस्पॉन्स देने के लिए धन्यवाद, आपने हमें देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।